पुष्पा नहीं, फायर है फायर। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। Yes, my love. पक्का? तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू ऐसा हर जाई है, तुझे याद न मेरी आई है। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मैं चीज बोलूं राखी, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। इतना अच्छा डांस करती है आप, खूबसूरत है, लड़का भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, पर एक छोटी सी गुजारिश है, आप गाना बताइएगा। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। यार हमारा नया वीडियो आया है, सिर्फ इसको जरूर प्रमोट करें और देश की जनता भी इसे प्रमोट करे। हो जा ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये देखो, ऐसे ऐसे चुपो, ऐसे चुपो, ऐसे ठीक है, और बोलो आई लव यू। आई लव यू भाई, ऐसे लग रहा है कि मुंबई किसी आगे भी कुछ बोलोगे क्या? विल यू समथिंग? यस माय लव, मैं तुझे भी नहीं चाहता। विल यू बी, विल यू बी माय वाइफ? यस जॉन, विल बी माय वाइफ। बोलो शादी तो करो, शादी तो करो। ये मेरा चिंटू है, मेरे जानू है, ये मेरा दुलारा है। मैम आपका सॉन्ग आया तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, और लोगों ने काफी प्यार दिया और 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, अभी बस हमने देखा 5 मिलियंस होने वाले हैं। वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सो हैप्पी कि आखिरकार थैंक्स टू माई देश की जनता कि मेरे आदिल को बहुत प्यार मिला उनका, और यू नो देश पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को, बहुत जनता बहुत पसंद कर रही है। सीड ने भी देखा, इट्स अमेजिंग वीडियो। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो इनका रिलेशनशिप दिख रहा है वीडियो में, दिल से ऐसे लग रहा है, बड़ा नेचुरल है, एक अच्छा स्टोरी लाइन है, और मुझे ये तक बोला है आदिल भाई बहुत इमोशनल हो गए राखी के लिए, कल रात को इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, इन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला है, क्योंकि ये जेन्युइनली राखी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि राखी ने उनको सपोर्ट किया इस वीडियो के लिए, और भाई बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा इसकी वजह से। तो वेल डन, अभी भी रो रहे हो क्या? मेरा तो दिल अभी फिलहाल है कि मेरा भाई सिद्धार्थ वो बिग बॉस में जाए। अरे पर एक चीज मैं बोलूं, अगर ये दोनों जाएंगे ना, ये 100% दोनों जीतेंगे, क्योंकि मैंने अभी अपने इंटरव्यू में भी देखा कि ये लोग एक दूसरे प्यार तो करते हैं, बहुत नोक झोंक भी करते हैं, एक दूसरे को मुंह पे सुना देते हैं दोनों बैठ के, ये उनको सुना देता है, मैडम इनको सुना देती है, तो माने दोनों के अंदर ये ऐसा नहीं है कि आई लव यू दिन भर बैठ के करते हैं, एक दूसरे की कमियां भी, शुगर फुगर नहीं है, खट्टा मिट्टा रिश्ता है हमारा। मुझे तो जेन्युइनली आज एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बिग बॉस में अगर ये दोनों जाएंगे इतिहास बनाएंगे, क्योंकि ये लड़का मुंह पे राखी को इसकी गलतियां बोलते हैं एंड ये भी वही करती है, तो ये जो है यही रिक्वायर्ड होता है फायर अंगार के लिए बिग बॉस में। पुष्पा नहीं, फायर है फायर। और साथ में राखी और आदिल मोहब्बत भी वहां करेंगे, जैसे अब आदिल राखी को एक प्यारी से किसी भी देने वाले हैं। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। आह मर गई। 100 रुपए वापस दे दो उसको। इस किस के तो 1000 है। अब तुम 2000 लाओ। तुम 2000 लाओ। बिग बॉस में ऐसी पप्पियां भी देखने को मिलेंगी। जप्पियां, पप्पियां, सब कुछ।